क्षेत्र और अभी हम आए हुए प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर। ठीक है, आइए चलते हैं। गाइज, ये है नाभा हाउस, ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ में ही है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वो मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ में ही है। नाभा राजा का हाउस कहते हैं इसे, जो भी है। इसके ठीक सामने एक कुंड है और उसके पीछे देखते हैं क्या चीज़ है। वैसे तो बिल्कुल खाली पड़ा, आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये पीछे देखिए बिल्कुल ये सब खाली पड़ा है। देखने में अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बढ़िया बना हुआ है, हवेली टाइप का। हाँ देखिए, अभी देखिए ये देखिए गाइस आप देखिए, ये नीचे कोई सुरंग गई हुई है। ये देखिए सुरंग नहीं है, बाहर जाने का रास्ता है शायद। आइए चलते हैं नीचे की ओर। नहीं, सुरंग है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। आइए वापस चलते हैं। चलते गाइस, आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल खाली है, ये देखिए बहुत प्यारा बना हुआ है। वो जो आपको पीछे की साइड दिखाई दे रहा है वो है कुरुक्षेत्र का साइंस म्यूजियम। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसकी एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, और गाइस आप पहुंच चुके हैं हम ब्रह्म सरोवर, आइए चलते हैं। हम है कुरुक्षेत्र में और हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, सूर्य ग्रहण के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा ये सरोवर है, और सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए ब्रह्म सरोवर, ये देखिए कितना बड़ा है। गाइस ये पूरा का पूरा भरा होता है,
आप देखिए, ये तो इसका सिर्फ आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा अब इसके बैक साइड है और ये पूरा का पूरा ना भरा हुआ होता है। और सूर्य ग्रहण के दिन है ना यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, सूर्य ग्रहण का जो मेला कहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। गाइस ये देखिए कितना बड़ा ये सरोवर है। गाइस ये सरोवर बहुत ज़्यादा गहरा है और इसके अंदर मछलियाँ वगैरह भी हैं बहुत सारी। गाइस ये जो आप घोड़े बने हुए देख रहे थे इसी के बैक साइड में है इसका दूसरा हिस्सा, ये रुक्मणी घाट है। इसके ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या व्यू है ऊपर से। और ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये मतलब बीच में एक गैप सा बना हुआ है, एक रोड सा बना हुआ है, छोटे गार्डन बने हुए हैं। मैं इसके ऊपर आपको जाके दिखाऊंगा, बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। और यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं सूर्य ग्रहण पे, सबको पता ही होगा। और दिखाता हूँ आइए चलते हैं ऊपर। गाइस हम आ गए इसके ऊपर और गाइस नज़ारा देखिए आप इधर से, क्या नज़ारा है ये देखिए गाइस। गाइस आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते होंगे। कुछ सालों पहले मैं भी आया था तो यहाँ बहुत भीड़ थी और अब शायद बढ़ गई हो क्योंकि लोगों की जनसंख्या भी तो बढ़ गई है। ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं आप, ओ गाइस पानी बिल्कुल साफ है, आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई गंद नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर, कोई पैकेट नहीं, इतना साफ सुथरा पानी आप देख सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।